कैस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ पेंट गन स्प्रे बिल्ट स्किल का। आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है बिल्ट स्किल प्रो। देखिए इसके अंदर क्या क्या है मिलता है हमको। सबसे पहले हमें मैनुअल मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से गन को आपको रखना है। अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं हेड है गन का, दूसरा पार्ट आप देखिए जिसमें मोटर लगी होती है, बहुत ही हेवी है। कैबिनेट देख सकते हैं, यहाँ पर कैबिनेट है और इसके अंदर कीप मिला हमको, एक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों ये मोटर का भाग है, इसको आपको सूखा रखना है, इसको आपको पानी से नहीं धोना है। यदि आप इसे पानी से धोएंगे तो मोटर खराब हो सकती है, इसलिए इसको खोलने का सिस्टम दिया गया है। और जो ये हेड है इसको आप धो सकते हैं, सफाई कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हील, यहाँ पर आपको यदि स्प्रे किस प्रकार चाहिए, इसमें चाहिए या अंडाकार में चाहिए, फैलाव में चाहिए या केंद्र में चाहिए, आप दोनों में से चुनाव कर सकते हैं। इसको घुमा सकते हैं तो वो उसी आधार में आएगा। ट्रिगर है, ट्रिगर को सेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया गया है। आप स्प्रे कितना चाहिए उसके आधार पर आप इसे सेट कर सकते हैं। वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप इसको भी घुमा करके कर सकते हैं। ये नोजल है, यहाँ से ही आपको स्प्रे मिलेगा। साफ सफाई का आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका। और ये जो पाइप है इसको आप जिस एंगल में रखना चाहते हैं उस एंगल में आप अगर रखोगे तो उस आधार पर इसको रखना है। इसको फिट करने का जो तरीका है दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको इसको इस प्रकार से पकड़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक का चिन्ह बना हुआ है, इसको आपको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे घुमा करके, ये कट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये ज्वाइन हो चुका है। और इस प्रकार से आप पूरी गन को बना सकते हैं। खोलने के लिए आपको करना है ये जो बटन दे रखा है इसको आगे की तरफ करना है, थोड़ा सा घुमाना है, घुमाने के बाद में ये पूरा ही आपके अलग हो जाएगा, तो टुकड़ों में हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ट्रिगर है और ट्रिगर के पीछे जो बटन दिया हुआ है ये बटन आपको स्प्रे को कंट्रोल में करने के लिए दिया गया है। आपको कितना आगे स्प्रे चाहिए, कम चाहिए तो आप इसको खोल दीजिए तो आपको उतना ही स्प्रे मिलेगा आगे, यानी कि कलर मिलेगा। और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा है। और आगे वाला जो नोजल इसको आप खोल सकते हैं, ये पूरी तरीके से खुल जाएगा। देखिए इसको आप निकाल के सफाई कर सकते हैं। इसको आप बंद कर सकते हैं। आगे वाले नोजल को आप घुमा सकते हैं, किस प्रकार चाहिए आपको। ये मोटर का हिस्सा है,
ये तार जो है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में दिया गया है, बहुत ही सुंदर और मजबूत है। आराम से किसी सॉकेट में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही मैनुअल के साथ में आप देख रहे पिन दिया गया है। आप देख सकते हैं जो पिन दिया गया है ये नोजल को साफ करने के लिए दिया गया है। ये जो नोजल है इसको साफ करने के लिए दिया गया है। अगर कचरा आ जाता है, पेंट करते समय कुछ पेंट फंस जाता है, तो आप इस पिन के द्वारा इसे साफ कर सकते हैं। वैसे तो आप देखेंगे ये छेद बन, जैसे आप ट्रिगर दबाते हैं तो ऑटोमेटिक छेद हो जाता है, इसको आप साफ कर सकते हैं। वापस दबाने से ये बंद हो जाता है, देख सकते हैं आप।